फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। और टुडे टॉपिक इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, चैप्टर नंबर 7, क्लास प्लस 2। एंड द टॉपिक इज द डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। और अगला जो हमारा इसका टॉपिक होगा वो कैश फ्लो और कैश बजट के बीच में डिफरेंस होगा। तो आज की वीडियो के अंदर हम दो डिफरेंस करेंगे, कैश फ्लो और कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट के बीच में डिफरेंस, और दूसरा कैश फ्लो और कैश बजट के बीच में डिफरेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर प्लस टू क्लास के लिए। ध्यान रखिए इस बात का कि कैश फ्लो और फंड फ्लो के बीच में डिफरेंस जो है, और कैश फ्लो और कैश बजट के बीच में जो डिफरेंस है वो जनरली पेपर में पूछा जाता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो और फंड फ्लो स्टेटमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, तो हम करेंगे आज डिफरेंस बिटवीन फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। नंबर एक, मीनिंग। आप सभी जानते हैं कि आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है या फंड फ्लो स्टेटमेंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट चेंज इन द फाइनेंशियल पोजिशन ड्यू टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड। तो कैश फंड फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट विच टेल्स यू या विच चेंज द फाइनेंशियल पोजिशन ड्यू टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड। और इस बात का ध्यान रखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट विच चेंज द फाइनेंशियल पोजिशन ड्यू टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। तो एक प्रकार की ऐसी स्टेटमेंट जो फंड फ्लो स्टेटमेंट से मारा गया है, एक प्रकार की ऐसी स्टेटमेंट से है जो आपको व्यवसाय के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो चेंजिंग होती है वो ड्यू टू इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ फंड के कारण होती है। और अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन में जो चेंजिंग होती है ये ड्यू टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। तो यहाँ ध्यान रखिए इस बात का, यहाँ फंड बेस्ड है और ये कैश बेस्ड है। तो यहाँ पहला डिफरेंस था कि जो आपका मीनिंग है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट विच चेंज द फाइनेंशियल पोजिशन ड्यू टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड, और व्हाइल जो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट विच चेंज द फाइनेंशियल पोजिशन ड्यू टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। उसके बाद सेकंड डिफरेंस है बेस ऑफ अकाउंटिंग। आप सभी जानते हैं कि फंड फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेस ऑफ अक्रूअल बेस। तो इस बात का ध्यान रखें कि फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो अक्रूअल बेस पर तैयार की जाती है, जबकि जो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर ऑन द बेस ऑफ कैश बेस। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है उसका बेस जो होता है वो अक्रूअल बेस है अकाउंटिंग का, और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो बेस है अकाउंटिंग का वो कैश बेस्ड है। उसके बाद थर्ड डिफरेंस है बेसिस ऑफ एनालिसिस। आप सभी जानते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट विच डिस्क्लोज द कॉज ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। दैट मींस कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपको कि किस कारणों से जो है वर्किंग कैपिटल में जो है परिवर्तन हुआ इसको डिस्क्लोज करता है, जबकि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो डिस्क्लोज द चेंज इन द कैश पोजिशन ऑफ द बिजनेस, की कैश में कि कैश पोजिशन में क्या परिवर्तन हुआ उसको डिस्क्लोज करता है। उसके बाद अगला डिफरेंस है कॉम्पोनेंट्स। तो आप सभी जानते हैं कि फंड फ्लो स्टेटमेंट इज ए कॉन्फाइंड टू ऑल द कॉम्पोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो है वो वर्किंग कैपिटल के सारे कॉम्पोनेंट को शामिल किया जाता है। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। दैट मीन्स कि जब हम जो है फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें हम जो है वर्किंग कैपिटल के सारे कॉम्पोनेंट को शामिल करते हैं, चाहे वो सारे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। जबकि जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें केवल मात्र वर्किंग कैपिटल का केवल मात्र एक कॉम्पोनेंट शामिल किया जाता है, और वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इस प्रकार से आप ये भी ध्यान रखें। उसके बाद अगला डिफरेंस है जी डिस्क्लोजर। इस बात का ध्यान रखें कि डिस्क्लोजर की बात करें तो फंड फ्लो स्टेटमेंट डिस्क्लोज द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड कॉज ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड कॉज ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल को डिस्क्लोज करता है, व्हाइल फंड फ्लो जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है डिस्क्लोज द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। दैट मींस की पूरी वर्किंग कैपिटल को नहीं बल्कि कैश और कैश इक्विवेलेंट के आइटम को ही ये मैग्नीट्यूड करता है, यानी कि इसकी डायरेक्शन को ही
बताता है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि साउंड फ्रंट पोजिशन डज नॉट मीन्स साउंड केस पोजिशन। इस बात का ध्यान रखें कि फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर साउंड फंड पोजिशन डज नॉट मीन्स कि साउंड केस पोजिशन। व्हाइल साउंडनेस ऑफ केस दैट मीन्स कि केस फ्लो स्टेटमेंट डज प्रोवाइड साउंडनेस ऑफ केस पोजिशन। जबकि आप केस फ्लो स्टेटमेंट में आपको साउंडनेस ऑफ केस पोजिशन का पता लग जाता है क्योंकि फंड फ्लो स्टेटमेंट में केस के अतिरिक्त अन्य आइटमों को भी शामिल किया जाता है। उसके बाद अब बात करते हैं डिफरेंस इन द मेथड्स कि केस फ्लो और फंड फ्लो स्टेटमेंट के मेथड में डिफरेंस क्या आता है। इस पॉइंट को आपने बड़े से ध्यान से समझना है कि अगर इंक्रीज हो करंट लायबिलिटी में और डिक्रीज हो करंट असेट में तो इसके फलस्वरूप वर्किंग कैपिटल कम होती है। अगर करंट लायबिलिटी बढ़ती है और करंट असेट जो है वो कम होते हैं तो इसके फलस्वरूप जो है वो क्या होती है आपकी वर्किंग कैपिटल जो है वो डिक्रीज होती है। एंड वाइस वर्सा का मतलब होता है कि यदि आपके करंट लायबिलिटी कम होती है और करंट असेट जो है बढ़ते हैं, यानी कि यदि करंट लायबिलिटी बढ़ती है और करंट असेट जो है वो कम होते हैं तो इसके फलस्वरूप जो है आपकी जो वर्किंग कैपिटल है ये वर्किंग कैपिटल जो है वो क्या होती थी ये वर्किंग कैपिटल जो है वो बढ़ जाती है। तो करंट लायबिलिटी का कम होना और करंट असेट का कम होना वर्किंग कैपिटल में वृद्धि होती है, जबकि करंट लायबिलिटी का कम होना और करंट असेट का बढ़ना वर्किंग कैपिटल को बढ़ाते हैं। जबकि अगर बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट की, अगर करंट लायबिलिटी कम होती है या करंट लायबिलिटी जो है वो बढ़ती है और करंट असेट यदि कम होते हैं तो इसके फलस्वरूप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम बढ़ती है। और वाइस वर्सा दैट मींस की यदि करंट लायबिलिटी कम होती है और करंट असेट बढ़ते हैं तो इसके फलस्वरूप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम जो है वो डिक्रीज होते हैं। तो यहाँ पर इसका जो है वो चेंज इन मेथड में भी जो आपने क्लियर पढ़ा, जिसमें अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट का मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करूं कि यदि करंट लायबिलिटी बढ़ती है और करंट असेट डिक्रीज होते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इससे कैश और कैश इक्विवेलेंट आइटम बढ़ती है। अगर करंट लायबिलिटी कम होती है और करंट असेट जो है वो बढ़ते हैं तो इसके फलस्वरूप कैश और कैश इक्विवेलेंट आइटम कम होती है। तो इस बात का ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं इस मेथड को अगर पूरा एक्सप्लेन करूं कि अगर चेंज इन डिफरेंस इन मेथड का मतलब होता है कि यदि करंट लायबिलिटी बढ़ती है और करंट असेट कम होते हैं तो इसके फलस्वरूप वर्किंग कैपिटल कम होती है, और उल्टा दैट मींस कि यदि करंट लायबिलिटी क्या होती है कम होती है और करंट लायबिलिटी यदि कम होती है और करंट असेट यदि बढ़ते हैं तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि वर्किंग कैपिटल जो है वो इंक्रीज होती है। जबकि अगर इसकी बात करें तो अगर करंट लायबिलिटी बढ़ती है और करंट असेट अगर डिक्रीज होते हैं तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ता है, और अगर उल्टा करें कि करंट लायबिलिटी यदि कम होती है और करंट असेट यदि बढ़ते हैं तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो आपके कम होते हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर इंडिकेशन ये मेथड्स का, दैट मींस की डिफरेंस इन मेथड्स। उसके बाद कैश और फंड फ्लो ऑपरेशन, फंड फ्लो स्टेटमेंट से जो आपके पास आता है वो फंड फ्लो ऑपरेशन आता है, और अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो वह कैश फ्लो ऑपरेशन आता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि फंड फ्लो स्टेटमेंट टेल्स यू अबाउट द फंड फ्लो ऑपरेशन, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बताता है। उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, तो आप सभी जानते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में फंड फ्लो स्टेटमेंट में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश इन बैंक को शामिल नहीं किया जाता, अर्थात जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और कैश फ्लो स्टेटमेंट में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश को शामिल किया जाता है, अर्थात इसका जो है ये शामिल किया जाता है। उसके बाद अगर बात करें यूजफुलनेस, तो आप सभी जानते हैं कि फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है अगर आपने फर्म की लोग फाइनेंशियल पोजीशन को जानना है तो फंड फ्लो स्टेटमेंट प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। व्हाइल जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो ये बोलते हैं कि आपको व्यवसाय की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट टेल्स यू अबाउट द यूजफुलनेस की बात करें, इट टेल्स यू अबाउट द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, व्हाइल कैश फ्लो स्टेटमेंट टेल्स यू अबाउट द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो ये था जी आपका कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंड फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो एंड कैश बजट, जो हमारा अगला टॉपिक है कि कैश फ्लो और कैश बजट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो अभी तक हमने कैश फ्लो और फंड फ्लो के बीच में डिफरेंस किया, अब हम करेंगे कि कैश फ्लो और कैश बजट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो एंड कैश बजट, सीरियल नंबर बेस ऑफ डिफरेंस कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश बजट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट डिफरेंस है पीरियड का, फर्स्ट डिफरेंस है आपका
अवधि का पीरियड का, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर ए पास्ट पीरियड। ध्यान रखें इस बात का कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर फॉर ए पास्ट पीरियड व्हाइल कैश बजट इज प्रिपेयर फॉर ए फ्यूचर पीरियड। तो इस बात का ध्यान रखें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ये प्रिपेयर किया जाता है फॉर ए पास्ट पीरियड व्हाइल कैश बजट इज प्रिपेयर फॉर ए फ्यूचर पीरियड। ध्यान रखें इस बात का। उसके बाद सेकेंड डिफरेंस है यूजफुलनेस। सेकेंड जो डिफरेंस है वो है जी आपका यूजफुलनेस, इसको आप उपयोगिता बोलते हैं। इट हैज ए लिमिटेड यूज इन फ्यूचर। ध्यान रखें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए लिमिटेड यूज इन फ्यूचर व्हाइल कैश बजट हैज मच यूज इन फ्यूचर कैश प्लानिंग। तो यहां ध्यान रखें इस बात का कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसका लिमिटेड यूज किया जाता है फ्यूचर में, जबकि कैश बजट का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है फ्यूचर कैश प्लानिंग के लिए। उसके बाद अगला जो डिफरेंस है वो है नेचर का। आप सभी जानते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट शो द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो हम सभी जानते हैं कि AS3 के अनुसार कैश फ्लो स्टेटमेंट को जो है वो तीन एक्टिविटीज के में बांटा जाता है, जिसके अनुसार कैश फ्लो स्टेटमेंट शो करती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज या कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, थर्ड जो करती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज या कैश यूज्ड इन फाइनेंशियल एक्टिविटीज। जबकि जो आपका जो कैश बजट है वो शो करता है कि किस मंथ में आपके पास सरप्लस कैश है, दैट मींस कि इन व्हिच मंथ द सरप्लस कैश हैज बीन प्रोवाइड एंड इन व्हिच मंथ द डेफिशिएंसी ऑफ कैश। जब हम कैश बजट बनाते हैं तो कैश बजट का क्वेश्चन भी जब हम करते हैं तो उसके अंदर हम ये क्लियर देखते हैं कि मंथ वाइज हमारे पास किस महीने में जो है वो कैश सरप्लस था और किस महीने में जो हमारे पास कैश की डेफिशिएंसी थी, इस बात को जानने के लिए हम कैश बजट बनाते हैं। तो ये जो है ये इसका डिफरेंस था, इसका नेचर था। उसके बाद अगला डिफरेंस है डिस्क्लोजर। आप सभी जानते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट शो हाउ मच कैश रिसीव एंड स्पेंड इन द पास्ट पीरियड। तो यहाँ क्लियर से इंडिकेशन है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको ये बताता है कि आपने कितना जो है कैश है वो पास्ट में जो है वो रिसीव किया और कितना जो आपने स्पेंड किया, जबकि कैश बजट शो हाउ मच कैश लाइकली टू बी रिसीव एंड व्हाट विल बी इट्स डिसबर्समेंट, दैट मींस की पेमेंट्स इन द कमिंग मंथ। तो यहाँ क्लियर से इंडिकेशन है जो कैश बजट है वो ये शो करता है कि हाउ मच जो है कैश आपका लाइकली टू बी रिसीव्ड एंड व्हाट विल बी इट्स डिसबर्समेंट, दैट मींस की इसकी पेमेंट्स कैसी होगी इन द फ्यूचर पीरियड में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ये डिस्क्लोज करता है कि आप जो है पास्ट में आपको कहां से कैश रिसीव हुआ और आपने कहां कहां उसको खर्च किया, जबकि जो आपका कैश बजट है ये शो करता है कि आपको कैश किस मतलब कितना कैश जो है वो लाइकली टू बी रिसीव, कितना कैश जो आपको रिसीव होगा और आप इसको जो है व्हाट विल बी डिसबर्समेंट इन द फ्यूचर कमिंग मंथ्स और आप इसको कहां आप इनको खर्च करेंगे फ्यूचर मंथ्स में, तो इस बात के बारे में आपको कैश बजट बताता है। तो आप लोगों ने अभी आज की वीडियो के अंदर पढ़ा कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो एंड कैश बजट। तो होप कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो समझ आ चुकी होगी। ध्यान रखें इस बात का कि वीडियो को अंत तक देखें, बीच में बिल्कुल भी मिस ना करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर नेक्स्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।